सचिन पायलट ने खोला गहलोत के खिलाफ मोर्चा, क्या पायलट के इस अनशन से कांग्रेस को होगा नुकसान या फिर सत्ता में वापसी की राह तलाश रही है कांग्रेस? सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ जयपुर में अनशन पर बैठ गए हैं। सचिन पायलट के इस अनशन का मकसद गहलोत को उनके वादे याद कराने और वसुंधरा राजे की पूर्व सरकार में भ्रष्टाचार पर एक्शन नहीं लेने पर अपनी नाराजगी जग जाहिर की है। अभी तक गहलोत और पायलट की लड़ाई अंदरूनी थी, लेकिन आज ये लड़ाई खुलकर सड़क पर दिख रही है। वहीं पायलट के अनशन को राजस्थान के आईसीसी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पार्टी विरोधी करार दिया है। इस बीच अनशन में पहुंचे पायलट समर्थकों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमें कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिशा निर्देश दिए कि आप जाओ और सचिन पायलट जी का समर्थन करो। हमारी पूरी यूनियन का सचिन पायलट जी को पूर्ण रूप से समर्थन है। हम अपना समर्थन पत्र सौंपेंगे। कितने लोग आप आए? हम 5 आदमियों का प्रतिनिधि मंडल यूपी से आया है, जिला गाजवास से। क्या किस बात को, किन किन चीजों को लेकर समर्थन कर रहे हैं? हम सचिन पायलट जी सही की लड़ाई लड़ रहे हैं, सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इनका पूर्ण रूप से हर तरह से समर्थन कर रहे हैं, हमारी पूरी यूनियन। हम किसान हैं, किसान के बच्चे हैं। फावड़ा लाठी हमारे सिंगार है, और फावड़ा लाठी ना रखेंगे तो हम इस देश को खवाएंगे क्या? आपको मालूम है कि सचिन पायलट जी की क्या मांग है? आज जो भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने जांच को कही, वो जांच नहीं हुई। जो मांगे किसानों की रखी, वो सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मांगी। उसी लड़ाई के साथ हम समर्थन सचिन पायलट जी का पूर्ण रूप से करेंगे। मांग ये है वसुंधरा जी की, जो सरकार थी उन्होंने जो घोटाले किए, जो भ्रष्टाचार किए, उनकी जांच नहीं हुई है अब तक। वो मामला डिले हो रहा है उस जांच को लेकर के। पायलट साहब ने पहले भी संघर्ष किया था, इतने दिनों तक उन्हें झूठा आश्वासन देते रहे कि जांच होगी, जांच होगी, जांच होगी। अब समय निकल गया, फिर जांच होगी कब? जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर तो आचार संहिता लग गया जाए, चुनाव आ जाएंगे। वो लोगों को वादे किए वो पूरे नहीं हुए, तो ये जांच के खिलाफ है कि जांच करी जाए। हम भी इसी बात के पायलट साहब के साथ हैं कि जो जांच समय पे हो जानी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हो पाई है। बस इसी बात को लेकर के हम यहाँ बैठे हैं कि वो जांच हो, निष्पक्ष न्याय हो, जो दोषी है उनको सजा दी जाए। अगर वो दोषी नहीं है, वो सुंदर जी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर दोषी है तो उनको जाँच करेंगे तभी तो पता चलेगा। और जाँच क्यों नहीं हो रही है? जब राहुल गांधी जी के साथ अगर अन्याय हो सकता है, अगर वो उनके साथ खिलाफ कर सकते हैं, तो यहाँ हम जांच क्यों नहीं करवा सकते हैं वसुंधरा जी के खिलाफ? लेकिन इतना समय क्यों लग गया, 4.5 साल? तो ये तो पायलट साहब तो कब से कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने तो मामला हर जगह उजागर किया है, चिट्ठी लिखी है सरकार को। अब इनकी बात को दबाया गया, चुपचाप से रखा गया, इनको झूठे आश्वासन दिए गए कि रुको अभी मौका सही नहीं है, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। ये बाद का समय आता नहीं है। देखिए, मैं भरतपुर से हूँ और कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाई लड़ना, हम कार्यकर्ता हैं। आज पिछले 15 साल से हम कांग्रेस के लिए, अपनी सरकार के लिए, पार्टी लाने के लिए काम कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, हम अपने ही परिवार में क्या हम भीख मांगेंगे? आप बताइए, मुझे जवाब दीजिए, आप खुद ही बताइए। अपने ही परिवार में हमें, क्योंकि मैं खुद वहाँ से भरतपुर से महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष रही हूँ, और अपने ही मंच पे मुझे जगह के लिए मुझे भीख मांगनी पड़ती है। तो अगर पायलट साहब आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे लिए उठा रहे हैं। संघर्ष किसके लिए कर रहे हैं? वो हमारे लिए, कार्यकर्ताओं के लिए कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि एक कार्यकर्ता के लिए आज तक किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी है, और वो अपनी सरकार से नहीं, पार्टी से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वो हमारे हक के लिए, हमारे हक के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, हर कार्यकर्ता के लिए। वो सही मायने में जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि एक कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता की आवाज को समझ सकता है। हमें जो सम्मान चाहिए, हमें जो मन चाहिए, उसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। आप खुद देखिए, राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री रही है वसुंधरा राजे जी, बताइए उन्होंने महिलाओं के लिए, आम जन के लिए क्या किया? सबकी आवाज दबाई जाती है, तो क्या मैसेज जा रहा है? और ये नेता आकर के थोड़ी ना वहां क्षेत्र में आएंगे। अब हम वोट मांगने जाएंगे तो किस हैसियत से वोट मांगेंगे? हम क्या मुद्दे उठाएंगे? बात कर रहे थे ये लोग, हमारी सरकार ने झूठे वादे किए हैं, क्या क्या किया उन्होंने, मोबाइल देंगे, ये देंगे, वो देंगे। अब हम अपने क्षेत्र में जाएं, मैं नदवी विधानसभा से आती हूं, तो मैं किस किस उद्देश्य में जाकर के लड़ूं, क्या बोलूं मैं वहां पे, बताइए।